الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون بزرگوں بھائیوں اور عزیزوں محترم خواتین ماؤں بہنوں اور بیٹیوں آج دنیا نے بہت ترقی کی ہے مادی لحاظ سے اور خوشحالی آئی ہے آمد رفت کے بہت سے ذرائع فراہم ہو گئے ہیں معلومات کا تبادلہ بہت آسان ہو گیا ہے اور بھی بہت سی سہولتیں ہیں جو آج انسان کو حاصل ہیں. آج سے چند سال پہلے تک انسان اس طرح کی سہولتوں کا شاید تصور بھی نہیں کر سکتا تھا, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک واقعہ ہے اس دنیا میں بگاڑ بھی اسی تیزی کے ساتھ آیا ہے. زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں بگاڑ اور فساد نہ آیا ہو. ظلم زیادتی ہو رہی ہے, جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ کمزوروں پر ظلم کر رہا ہے, فرد بھی ظلم کرتا ہے اور قومیں بھی ظلم کرتی ہیں. آج بھی دنیا انصاف سے محروم ہے, عدل و انصاف کا چرچا تو ہے لیکن عملاً انصاف حاصل نہیں ہے. خاص طور پر وہ لوگ جو کمزور ہیں وہ انصاف کے لیے در بدر ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں لیکن انہیں انصاف نہیں ملتا. مساوات اور برابری کا چرچا کیا جاتا ہے کہ سب انسان برابر ہیں, لیکن آج دنیا میں عملاً یہ برابری نہیں ہے. گورے اور کالے کا فرق ہے, امیر اور غریب کا فرق ہے, اور بھی بہت سے فرق ہیں. ہمارے ہندوستان میں تو ذات برادری کا فرق ہے, اور اتنا بڑا فرق ہے
कि उसे आसानी से मिटाना मुश्किल मालूम हो रहा है। कामों का इस्तेहसार हो रहा है, एक्सप्लोइटेशन हो रहा है। जिस शख्स के पास वसायल हैं वो उन लोगों का इस्तेहसार करता है, उनको एक्सप्लोइट करता है। जिनके पास वसायल नहीं है उनकी कुव्वत को खरीदता है, उनकी सलाहियत को खरीदता है, उनके वक्त को खरीदता है और अपनी दुनिया बनाता है। इसी तरह कौमें दूसरी कौमों का इस्तेहसाल कर रही हैं। पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि बेहयाई आम हो रही है, बल्कि अब बेहयाई को बेहयाई नहीं समझा जा रहा है। खानदान टूट फूट का शिकार है। इस तरह की बेशुमार खराबियां हैं जिसे हर वो शख्स जो इस दुनिया में रह रहा है अपने सर की आंखों से देख भी रहा है और तजुर्बा भी कर रहा है। यह फसाद है और बिगाड़ है। कुरान मजीद हमें यह बताता है कि ईमान अगर हो दिल में, ये दुनिया फसाद से खाली हो सकती है और होगी। इसलिए कि इस्लाम आया ही इसलिए है कि दुनिया से फसाद को खत्म करे। जिन लोगों के दिल में ईमान नहीं था, जो दर हकीकत इस्लाम के मुखालिफ थे बल्कि दुश्मन थे, जिनको हम मुनाफिक कहते हैं, उनके बारे में कुरान मजीद के पहले पारे के शुरू ही में कहा गया, वइज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यश्उरून। जब उनसे कहा जाता है जमीन में फसाद ना फैलाओ, इस वक्त जमीन को, सोसाइटी को, मदीने के माहौल को फसाद से पाक किया जा रहा है और यहां अमन व अमान की फजा लाने की कोशिश की जा रही है, बिगाड़ को खत्म किया जा रहा है। लेकिन तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं कि इन कोशिशों को तुम खत्म करना चाहते हो। तो कहा गया कि जब इनसे कहा जाता है कि जमीन में, अर्ज़ मदीना में या जहां तक इस्लाम का इख्तदार था वहां तक जमीन में फसाद न फैलाओ, तो वो कहते हैं कि हम तो ठीक करने का काम कर रहे हैं, हम तो इस्लाह का काम कर रहे हैं, जो बिगाड़ नजर आ रहा है उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक वही बात जो आज की दुनिया का हर लीडर और रहनुमा कहता है, चाहे वो फसाद फैलाए और जमीन को बिगाड़े, लेकिन कहता यही है कि इस्लाह का काम हम कर रहे हैं, जमीन को फसाद से पाक कर रहे हैं। तो कुरान ने कहा कि ये मुनाफिक का रवैया हो सकता है, उस शख्स का रवैया हो सकता है जिसके दिल में ईमान नहीं है। और कुरान ने कहा कि चाहे इनके जुबानी दावे कितने ही बुलंद हों, वो हजार बार ये कहें कि हम दुनिया को बिगाड़ से पाक करना चाह रहे हैं, लेकिन दरअसल ये मुफसिद हैं, इन्हीं के जरिए बिगाड़ फैल रहा है।
इन्हीं के जरिए फसाद आ रहा है, लेकिन ये मानते नहीं है, समझते नहीं है। ये बात जो कही गई इसलिए कही गई कि ईमान के साथ जमीन में फसाद का कोई तसव्वुर नहीं है। एक और जगह फरमाया इनके बारे में, आपके पास आते हैं तो बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, ये कसमें भी खाते हैं, लेकिन वज़ा तवल्ला सहाफिल अर्ज़ लियुफ़सिद फ़ीहा वयुहलिकल हर्स वल नस्र वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद। लेकिन जब आपके पास से हट जाते हैं, और इसका एक माना यह भी बयान हुआ है कि जब इनके हाथ में ताकत होती है जिस पैमाने की भी हो, कहा कि जब ये आपके पास से हट जाते हैं या जरा सी ताकत कहीं मिलती है इनको, तो इनकी कोशिश यह होती है कि जमीन में फसाद फैले। बातें तो हम नामान की कर रहे हैं, कस्में भी खाते हैं, इत्मीनान दिलाने की भी आपको कोशिश करते हैं, लेकिन इस मजलिस से उठने के बाद उनका रवैया बिल्कुल बदल जाता है। दुनिया के सामने कहना तो आसान है, लोगों के सामने कि साहब हम दुनिया की सलाह के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन असल इंसान का अमल देखा जाता है। तो कहा कि जब ये आपकी मजलिस से हट जाते हैं या इनको ताकत मिलती है, तो इनकी कोशिश ये होती है, ये दौड़धूप इसके करते हैं कि जमीन में फसाद फैलाएं, लियुहलिकल हर्स वल नस्र, खेतों को बर्बाद करें, किश्तजारों को खत्म कर दें, आबादियों को मिटा दें। बिल्कुल वही देख रहे हैं आप, ऐसा मालूम होता है कि दुनिया को सामने रखकर ये बात कही जा रही है। आज की जंगें और हंगामे और मुकाबले किस लिए हो रहे हैं? जो दौलत के वसाइल हैं वो खत्म किए जा रहे हैं, ज़राअत भी है सनअत भी है उसे खत्म किया जा रहा है, और आबादियां खत्म की जा रही हैं। लियुहलिकल हर्स वल नस्र, इसका अमल ये बता रहा है कि वो ज़राअत को खेती बाड़ी को खत्म करना चाह रहा है, उसी में आप सनअत को भी समझ लीजिए, और इंसानी आबादी को भी तबाह कर रहा है। फिर कहा वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता। अगर वाकई इनके दिल में ईमान होता तो यह रास्ता ना इख्तियार करते। अगर अल्लाह पर इनका ईमान होता तो उनको यह बात समझ में आ सकती थी कि अल्लाह फसाद को नहीं पसंद करता। अल्लाह तो चाहता है कि इस दुनिया के अंदर अमन हो और यहां सुकून के साथ इंसान जिंदगी गुजारे। कुरान में जगह जगह बताया गया कि दुनिया में जो बहुत सी कौमें थीं और जिन्होंने तबाह वो गलत रास्ता अख्तियार किया और बिलाखर तबाह हुई, वो इसी वजह से तबाह हुई कि उन्होंने फसाद का रास्ता अख्तियार किया। सूरह फज्र में बास कौमों का जिक्र है, बल फज्र वश्र इस सूरत के अंदर, उसी में फरमाया अल्लज़ीन तगौ फिल बिलाद फअक्सरू फीहा अल-फसाद फसब अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब। कहा इन्होंने सरकशी का रास्ता अख्तियार किया, अपने अपने मुल्क में अपने अपने इलाके में बजाय इसके कि खुदा के सामने झुकते बगावत का रास्ता अख्तियार किया। फअक्सरु फीहल फसाद, बहुत ज्यादा फसाद फैलाया उन्होंने। फसब अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब, तुम्हारे रब ने उन पर अज़ाब का कोड़ा बरसा दिया। ऐसा बरसाया कि फिर उठ नहीं सके वो। इन रब्बका लबिल मिरसाद, फिर अरबों से खिताब करके कहा देखता है, देख रहा है अल्लाह, तुम भी अगर जमीन में फसाद करोगे तो अल्लाह का कोड़ा बरसेगा। तो कहा यह गया कि ईमान के साथ जमीन में फसाद और बिगाड़ का कोई तसव्वुर नहीं है। कुरान में एक जगह बेशुमार मौके पर बताया गया है
کہ جو قومیں تباہ ہوئی انہوں نے فساد کا راستہ کس طرح اختیار کیا. کہیں بتایا گیا کہ کاروبار میں ان کی بگاڑ گیا, کہیں بتایا گیا کہ ان کی اخلاقی حالت بگڑ گئی, کہیں اور خامیوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ خرابیاں جب ان کے اندر آ گئیں اور انہوں اللہ کے رسول کے بتانے کے باوجود انہوں نے راستہ صحیح راستہ اختیار نہیں کیا تو تباہ ہو گئے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں موقع دیتا ہے کسی بھی قوم کو تو دیکھتا ہے کہ اس کے ذریعے زمین کی اصلاح ہو رہی ہے یا نہیں, اور انسانوں کو امن و امان, سکون اور راحت مل رہا ہے یا نہیں, وہ چین کی زندگی گزار سکتے ہیں یا نہیں, ان کو آزادی حاصل ہے یا نہیں, ان کے درمیان مساوات اور عدل و انصاف ہے یا نہیں, اور اللہ کے دین پر عمل کرنے کی ان کو حق حاصل ہے یا نہیں, یہ دیکھتا ہے اللہ. جہاں چیزیں ختم ہوتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ اسے پکڑ لیتا ہے. بہت سی قوموں کا حوالہ دے کے قرآن نے کہا کہ انہوں نے یہی راستہ اختیار کرا تھا. یہ فرمایا الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون, یہ لوگ تھے جنہوں نے زمین میں, جو زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں, اصلاح نہیں کر رہے ہیں. بات اس سے پوری ہو سکتی تھی کہ فساد پھیلا رہے ہیں, نہیں کہا کہ فساد کا ختم ہونا بھی ضروری ہے, اصلاح حال بھی ضروری ہے, اور یہ دونوں کام نہیں ہو رہے ہیں. الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون, فساد پھیلا رہے ہیں, اصلاح کا کام نہیں کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اسلام یہی نہیں چاہتا کہ فساد ختم ہو جائے, بلکہ وہ چاہتا ہے اصلاح بھی ہو اس دنیا کی, اور وہ کہتا ہے اصلاح ہوتی ہے اس وقت جبکہ انسان کو خدا پر ایمان ہو, اس کی شریعت پر ایمان ہو, اور اس کی شریعت کا ایک مقصد یہی ہے کہ دنیا سے فساد ختم ہو. قرآن میں اللہ کے پیغمبروں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ یہ کہتے تھے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا, زمین میں فساد نہ مچاؤ, اس میں بگاڑ نہ پیدا کرو جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اصلاح کا سامان کر دیا ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے, اپنی ہدایات کے ذریعے, اپنی رہنمائی کے ذریعے اس نے انتظام کر دیا ہے, بتا دیا ہے کہ اصلاح کا راستہ کیا ہے, اور عملی نمونے بھی پیش کر دیے. تو کہا کہ اللہ نے جب اصلاح کا راستہ دکھا دیا ہے پیغمبروں کے ذریعے, ان کے جانشینوں کے ذریعے, اپنی کتابوں کے ذریعے, اور جس حد تک ممکن تھا اس حد تک انسان اس پر عمل کرا کے, تو اب اسے اس صورتحال کو بدلنا اور فساد برپا کرنا یہ نہ ہو. تو پیغمبر یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اصلاح کا راستہ دکھایا ہے, اس میں بگاڑ نہ پیدا کرو. ان کی دعوت کا بنیادی ایک نقطہ یہ بھی ہوتا تھا کہ یہ فساد جو تم دیکھ رہے ہو اسے ختم ہونا چاہیے, اور اللہ نے یہی راستہ تمہیں دکھایا ہے. اس وقت جو سورہ ہود کی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں اس میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین بھی یہی کام کریں. کوئی شخص یہ کہہ کے نہ بیٹھ جائے کہ بھائی وہ تو اللہ کے رسول تھے, انہوں نے کارنامہ انجام دے دیا, اب کہاں ممکن ہے یہ, اب کون کرے گا, کس کا حوصلہ ہے. تو قرآن نے کہا نہیں, یہ سب کی ذمہ داری ہے. تو فرمایا فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیہ, ایسا کیوں نہیں ہوا, کیا اسباب تھے, سوچو غور کرو کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ان میں ایسے نیک لوگ کیوں نہیں رہے. صرف یہ کہہ دینا کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ پیغمبر پیدا کر دیے تھے, ٹھیک ہے وہ اسی مقصد سے آئے تھے, ان کے جانشینوں کی بھی تو ذمہ داری تھی. تو کہا ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ جو قومیں تم سے پہلے گزری ہیں ان میں کچھ نیک لوگ ہوتے, اللہ والے ہوتے, خیر کے علم بردار ہوتے, اور کرتے کیا وہ, یا نہاؤ نانی فسادا, جو زمین سے فساد کو دور کرتے. کہا کہ اللہ قلیل منہم,
इल्ला कलीलन मिम्मन अंजैना मिन्हुम, कुछ लोग थे जो बच गए थे या उनमें से जो बचे कुचे लोग कुछ रह गए थे जिन्होंने आवाज बुलंद की लेकिन लोगों ने सुना नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि दुनिया में आवाज कभी बुलंद ही ना हुई हो, कमजोर रही आवाज, और आज भी आवाज उठती है और कमजोर महसूस होती है। तो कहा कि लोगों ने साथ नहीं दिया, और अमलन क्या हुआ, वत्तवल्लज़ीन ज़लमू मा उतरफू फी, जो ऐसा इशरत, जो राहत, जो आराम, जो आसाइशें अल्लाह ताला ने फराहम की, जालिम उसी के पीछे पड़े रहे, किसी चीज को सोचने का मौका ही नहीं था, ऐश कर रहे हैं, ख्याल ही नहीं आ रहा है कि दुनिया में फसाद फैल रहा है और फैला रहे हैं हम। वो कानू मुजरिमीन, असलन ये मुजरिम थे, खताकार थे, गलत रास्ता अख्तियार कर रखा था, तभी ये कौमें तबाह हुई, वरना क्या मुमकिन था। अल्लाह ताला किसी कौम के साथ दुश्मनी है उसे, तो फरमाया कि अल्लाह का यह कानून नहीं है कि किसी बस्ती को, किसी आबादी को, किसी कौम को खत्म कर दे जबकि वो इसलाह का काम कर रहे हो। तो यह बताया गया कि ये रास्ता जो अंबिया अलैहिस्सलाम ने दिखाया, और इसका मकसद ये है कि दुनिया से फसाद खत्म हो और अमन आए, अदल आए, बराबरी का मामला हो, इंसान को आजादी हो, कोई किसी को गुलाम ना बनाए, और कोई किसी के बारे में यह ना सोचे कि मुझे इख्तदार हासिल है, मैं ही हुकूमत कर सकता हूं। इख्तदार और हुकूमत तो अल्लाह की है और उसी को हुकूमत करने का हक है। तो फरमाया कि इन्होंने गलत रास्ता अख्तियार किया और तबाह हुए, वरना अल्लाह ऐसा नहीं है कि कोई कौम सलाह फलाह की का रास्ता दिखा रही हो और उस पर अमल कर रही हो और अल्लाह ताला उसे खत्म भी कर दे, ऐसा नहीं अल्लाह का कानून। मेरे दोस्तों और साथियों, ये बातें इसलिए कही जाती हैं कि हम भी सोचें। ये रात दिन रोना और शबो रोज इसका जिक्र करते रहना कि दुनिया में बिगाड़ आ गया है, आ गया है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, फला मुल्क तबाह हो रहा है, फला आबादी खराब हो रही है, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारी सोसाइटी बिगड़ रही है, यहां आजादाना इख्तिलात है, खानदान तबाह हो रहे हैं, लड़कों और लड़कियों में आवारगी आ रही है, हम जिंसी फैल रही है, खुदा जाने क्या क्या तबसरे होते हैं। इसका मतलब यह है कि आप ये इकरार करते हैं कि बिगाड़ है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं कर रहे, तो बिगाड़ कैसे दूर होगा जबकि अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी आप पर डाली। कि यह कहना कि बिगाड़ है, एक वाकये को तस्लीम करना है, और अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इसे बदल दो, फसाद है तो खत्म होना चाहिए और तुम्हारे जरिए ही खत्म होगा। जो लोग इसे फसाद नहीं मानते, बिगाड़ नहीं मानते, या मानते हैं तो बहरहाल मानते हैं तो समझते हैं कि भाई हां है, उसकी सलाह का जज्बा नहीं है, वो कैसे सलाह कर सकेंगे। आपकी जिम्मेदारी तो यह है कि आप बिगाड़ को बिगाड़ कहें और उसकी सलाह की कोशिश करें। और आज हम सबका हाल यह है, ये लोग कहते हुए दुख भी होता है, हम सब वाइजाने बेअमल हैं, सिर्फ तस्करा करते हैं, ये बिगाड़ है, वो बिगाड़ है, आप कहें या ना कहें हर आदमी देख रहा है, सिर्फ दिल की और दिमाग की तस्कीन के लिए जिक्र हो रहा है कि बिगाड़ है दुनिया में, हमारे मुल्क में बिगाड़ है, हमारा मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, बचाएगा कौन। कुरान कहता है आपकी जिम्मेदारी है, आप पैगंबरों के मानने वाले हैं, आखिरी रसूल की हिदायत पर अमल करने वाले हैं, और आपसे कहा गया है कि इसे, इस फसाद को खत्म करो और यहां इस्लाह का अमल होना चाहिए। जब तक आप इसके लिए नहीं खड़े होंगे, फसाद दूर नहीं होगा, इस्लाह नहीं होगी, और आप उस जिम्मेदारी से बरी नहीं होंगे जो अल्लाह ताला ने आप पर डाली है। अल्लाह के यहां इसकी बात फुर्स होगी। अगर कोई शख्स कहता कि मुझे मालूम ही नहीं था, तो शायद अल्लाह मियां कहते कि साहब तुम्हें मालूम करना चाहिए था, आप तो अपनी जुबान से कह रहे हैं कि ये खराबी है, गिन गिन के बता रहे हैं, और फिर खामोश बैठे हुए, तो फिर अल्लाह ताला की बात फुर्स से हम कैसे बचेंगे। इन्हीं बातों पर गौर करने की जरूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है
کہ جو باتیں عرض کی گئی ہیں ان پر غور کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. بارک اللہ مولانا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالیٰ قدیم جواد قدیم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.